जितने भी हाइड्रेंट आपके या पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे कभी विजिट किया है, वहाँ कुत्ता मरा हुआ होता है, पानी में से बदबू आ रही होती है। इस सवाल के मुताबिक तो शहर में कुछ हो ही नहीं रहा तो बस फिर हम शहर छोड़ के चले। कल तक आप ये कहते थे कार्रवाइयां नहीं होती, आज जब हमने आपको बताया कि कार्रवाइयां हो गई तो आप कह रहे पानी की क्वालिटी का मसला है। ये जो ये मायूसी बेचना छोड़ दें, कल मेरी बात से ये जो रोज सुबह 11 बजे आके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तबाही हो गई तबाही हो गई तबाही हो गई, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो खैर मिलेगा राज्यपाल को, लेकिन पानी की शफाफियत के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं कि जितने भी हाइड्रेंट आपके या पंपिंग स्टेशन है वहां पे कभी विजिट किया है, वहां कुत्ता मरा हुआ होता है, पानी में से बदबू आ रही होती है, जगह पुरसाने वाली होती है, आज तक कोई नहीं गया। किसी एक पे जाके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कराची वाले पानी पी कैसे रहा है, किसी के पास आ रहा है तो इसका अच्छा मेरे जवाब अच्छा बहुत सारे स्टेशन रहते हैं जिसमें मोटरें खराब हुई भी हैं। भाई इस सवाल के मुताबिक तो शहर में कुछ हो ही नहीं रहा तो बस फिर हम शहर छोड़ के चले। यार मैं तो लोगों को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, ये जो रोज सुबह 11 बजे आके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तबाही हो गई तबाही हो गई तबाही हो गई, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई। मैं शहर में रहता हूँ, इस शहर में मेरे स्टेक्स हैं, हम सबके स्टेक्स हैं, इस शहर को हम ठीक करना चाहते हैं। ये जो ये मायूसी बेचना छोड़ दें, कल तक आप ये कहते थे कार्रवाइयां नहीं होती, आज जब हमने आपको बताया कि कार्रवाइयां हो गई तो आप कह रहे पानी की क्वालिटी का मसला है। जब पानी की क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा तो आप कहेंगे यार पंपिंग स्टेशन का मसला है, पंपिंग स्टेशन को ठीक करने की बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे यार वाजबात का मसला है। यार मसाइल हैं, मसाइल आज 5 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटी है वाटर बोर्ड की, 5 अरब रुपए की, 11 अरब रुपए की केएमसी की पेंशन की लाइबिलिटी है इस वक्त। मैंने उस दिन केएमडीसी की मीटिंग की, मेरा दिल खराब होता है यार, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, दिल खराब होता है, खून के आंसू रोता है, क्या किया है शहर के साथ कि टोटल आमदनी केएमडीसी से साल की 221 मिलियन है, यानी कि 22 करोड़ 10 लाख रुपए साल में केएमडीसी से आमदनी होती है। एक इदारा जिसका खर्चा अखराजात 1 अरब हो और आमदनी 21 करोड़ हो, आप कैसे चला सकते हैं उसको? इन बुरे हालात में भी, मुश्किल हालात में भी केएमसी 42 मिलियन महाना यानी कि 500 मिलियन 50 करोड़ रुपए साल के केएमडीसी को दे रही है इन मुश्किल हालात में। और जब मैं कहता हूं उस केएमडीसी को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो मुझ पर इल्जाम लगते हैं, जब मैं कहता हूं अब्बासी शहीद अस्पताल को सिंध हुकूमत चलाए, जैसे जिना अस्पताल बेहतर हो गया है, सिविल अस्पताल बेहतर हो गया है, दाऊ बेहतर है, ये भी बेहतर हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। कल मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज गया, यार वहां पे फार्मेसी की दुकानें हैं ना वो मुफ्त में चल रही हैं, चल रही हैं फार्मेसी की दुकानें मुफ्त में दी गई हैं। किनको दी गई हैं आपको पता है? मुझे एक एजेंडे पे आया, एमपीएस नहीं एक एमपी है जो रोज मेरे खिलाफ बात करता है, आपको पता है? अच्छा एक बता देना उसका आप भी, इससे हमसे नाम पूछे आपने सोसाइटी का नाम पूछा, मुझे मुझे अभी मुझे मुझे बताया गया हिम्मत करें सर बता दें साहब बराबर आप अरे 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 हिम्मत की बात ना करें कामरान अख्तर, हां कामरान अख्तर भाई, हां ये यार ये मेरे मसले नहीं है भाई, ये मेरे मसले नहीं है। मैं चीजों को अब मैं गुजारिश ही कर रहा हूं कि कल के एजेंडे में वो इदारा जो कि बिल्कुल बुरा हाल है उसका, जब हम एनआईसीबीडी बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई, उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें मुलाजमीन को अपग्रेड करना है। हमें टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो वो अपग्रेड की जब फाइल मैंने देखी ना तो उसमें एक टेक्नीशियन था, एक आईटी एक्सपर्ट था, एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट था और 222 माली कुक फला फला थे जी भाई। अच्छा मुझे आप ये बता दें ये अभी आप आपके आने के बाद ये जरूर है शहर में जो है कार्रवाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको दिल्ली गवर्नमेंट।
हाँ वो मुझे यार मैं तो इंफरादी सोच में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो इज्तमाही सोच में बिलीव करता हूं। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा तो बुलेट प्रूफ तो जरूरत होगी ना मुझे, राइट। तो मुझसे वजीर दाखला ने रिक्वेस्ट की, हालांकि गाड़ी सिंध हुकूमत की है, वो वजीर दाखला ने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे वो गाड़ी चाहिए, कि मैं 3 महीने का केयर टेकर हूं लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए। मेरे पास वजीर आला के अप्रूवल के साथ गाड़ी थी, सिंध हुकूमत की गाड़ी थी, उन्होंने मुझसे मांगी, मैंने कहा नो प्रॉब्लम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। मेरे साथ आप लोगों ने पिछले 5 साल से मेरे साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, आपने देखा है मुझे कि मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल कोई एस्कॉर्ट नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैं सिक्योर फील करता था एक गाड़ी में, थ्रेट थी मुझे 2018 में, इसलिए गाड़ी दी गई थी, वो ले ली गई, नो प्रॉब्लम। मैं अभी चीफ मिनिस्टर साहब को फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, होपफुली मेरी रिक्वेस्ट पे वो गाड़ी मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं इस बात की यकीनदानी कराता हूं कि मैं केएमसी के पैसों से कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने नहीं वाला। मैं तो वो आदमी हूं जिसने आके जब एडमिनिस्ट्रेटर था तब भी कहा मैं केएमसी से एक पैसा नहीं लूंगा, और अभी जब मैं मेयर इलेक्ट हुआ तो इस बार फिर मैंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा केएमसी से। वो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए।